नमो नुवै सौवर्यन्तानम् नमो नुवै सौसुदानम् नमो नुवै सौवायिर्यानम् नमो नुवै सौजायनम् नमो नुवै सौत्रिकालवति श्रावणम् ओमकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जयन्ति योगिन कामदम् औषधम् चैव ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् यो मङ्गलम् गोकुमोमि मङ्गलम् कुन्कुण्डारि उजेन्द्रमोसुमङ्गलम् नमः समर्पणाय सिद्धि उपाय चलते हैं। अमृत चंद्र आचार्य कृत उत्साह सिद्धि नाम अपना चैतन्य स्वरूप आत्मा की प्राप्ति शुद्ध मोक्ष की कैसे हो उसका उपाय क्या हो बताते हैं। बाणु गाथा अपने चलती है। सम्यक दर्शन सहित सच व्रत की व्याख्या चलती है। बाणु समझते हैं। दो क्षेत्र का क्या कहते हैं। सच व्रत की व्याख्या चलती है। श्रावक की श्रावक सच्चा किसको कहते हैं कि अपना आत्मा शुद्ध विनायक चिदानंद आनंद ज्ञान मूर्ति आत्मा है। ऐसा राग पुण्य पाप का विकल्प से राग से रही अपना शुद्ध स्वरूप का अनुभव करके प्रतीत करना उसका नाम प्रथम सम्यक दर्शन है। समझ में आया। श्रावक हुए पहले ऐसी दशा होती है। जन्म जन्म इतने क्या हुआ। जैन जन्म हुआ तो क्या आप थैली में करिया था भरे और ऊपर से शक्कर नाम रखे तो क्या चिराता समझते ना। वो चिराता करिया था कहते हैं हमारे काठियावाड़ में। चिराता की थैली में ऊपर शक्कर रखे और अंदर में चिराता हो तो क्या मीठा हो जाता है शक्कर नाम से। ऐसे संप्रदाय में जैन संप्रदाय में जन्मे तो क्या जैन हो गया। अपना आत्मा सर्वज्ञ परमेश्वर जिसको एक सेकंड के असंख्य भाग में एक समय में तीन काल तीन लोक जानने में आया है ऐसा परमेश्वर सर्वज्ञ देव इच्छा बिना उसकी वाणी आई। ये वाणी को यहाँ शास्त्र कहने में आता है। वाणी में से शास्त्र संतु रचा उस शास्त्र में श्रावक का स्वरूप कैसा है उसकी बात यहाँ चलती है। तो श्रावक पहले अपना शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा और ज्ञान स्वरूप इकिला है। ये ज्ञान पर की क्रिया करते नहीं शरीर वाणी मन की और अंदर में पुण्य पाप का राग होता है दया दान व्रत भक्ति का वो राग का भी वो करता नहीं ऐसा आत्मा का ज्ञान स्वरूप है। भैया सूक्ष्म बात थोड़ी है परिचय भगवान आत्मा आत्मा वस्तु है ना वस्तु तो ये ज्ञान स्वरूप चैतन्य सूर्य ये चैतन्य सूर्य इसकी दृष्टि में आया तो उसको आत्मा राग ने पुण्य पाप का दयादान व्रत भक्ति का जो राग है वो भी मेरा कर्तव्य है ऐसा स्वरूप में नहीं है। और आत्मा शरीर वाणी मन की अवस्था पर्याय क्रिया कर सके ये आत्मा में है नहीं। शरीर चलते हलते मैं चलाता हूँ मैं बोलता हूँ ये आत्मा में है नहीं। क्यों तो जड़ की अवस्था है। परमाणु भाषा ध्वनि उठती है वो जड़ की अवस्था जड़ की पर्याय जड़ का कार्य है और शरीर चलते हैं वो भी उसके कारण से आत्मा के कारण से नहीं। तो आत्मा वो तो पर का करता तो नहीं
पर पुण्य में पाप दया दान व्रत भक्ति का शुभ शुभ भाव है, वो भी आश्रव है। वो आश्रव तत्व मलिन भाव है, वो भी आत्मा में नहीं। ये तो ज्ञान विज्ञान धन विज्ञान चैतन धन ऐसा दृष्टि में आता है और उसका अनुभव हो तो उसका नाम सम्यक दर्शन कहने में आता है। समझ में आया? पहली दृष्टि धर्म की पहली दृष्टि सर्वाद की सम्यक सत दृष्टि। तो जैसा स्वरूप है रजकण शरीर व कर्म का से भिन्न आत्मा और राग का कण शुभ विकल्प दया दान व्रत भक्ति से विभिन्न, ऐसा विज्ञान घन इसकी दृष्टि अनुभव में होकर सम्यक दर्शन प्रकट करते हैं तो उसको प्रथम धर्म की पहली सिद्धि कहने में आती। वो समझ में आया? प्यार से धर्म सर्व होता है, ईश्वरी धर्म सर्व होता नहीं। वो विज्ञान घन का अनुभव करने से जो दृष्टि प्राप्त हुई उसका नाम प्रथम सम्यक दर्शन, धर्म की पहली सीढ़ी, धर्म का पहला सोपान त्यां से शुरू होता। ये सम्यक दर्शन न हो उसको व्रत तप श्रावक के मुनिपना कभी तीन काल में होता नहीं। समझ में आया? वो कहते हैं यहाँ बाणुनी गाथा कि सम्यक दर्शन हुई पीछे। समझ में आया? सूक्ष्म बात है, जगत में चलती है बात दूसरी है, सत्य कहीं दूसरा है। रामचंद्र जी, वस्तु ऐसी है सर्वज्ञ परमेश्वर परमात्मा त्रिलोकनाथ जिसको एक सेकंड के असंख्य भाग में एक समय में तीन काल तीन लोक जानने में आया, ऐसा अपना ज्ञान का पूर्ण विकास जहाँ हुआ, राग आदि का नाश अपना पुरुषार्थ से करके वितराग विज्ञान घन आत्मा केवल ज्ञान पाया तो उसकी इच्छा बिना वाणी निकली, ये परमात्मा ये ऐसा कहा ऐसा जाना ऐसा है कि आत्मा जिसको प्रथम सम्यक दर्शन होता है तो कैसे होता है कि ये मैं तो विज्ञान घन चिदानंद स्वरूप जगत का दृष्टा और विनाता, जगत का नाम राग विकल्प से मानकर सारी चीज सब उसका मैं करने हरने वाला नहीं, उसका मैं तोड़ने फोड़ने वाला नहीं, पर को मैं सुधार करना के बगाड़ करने वाला मैं नहीं, मैं तो ज्ञान आनंद स्वरूप हूँ। ऐसी अंतर में अनुभव आत्मा का होकर जो सम्यक प्रतीति आत्मा में होती है उसका नाम भगवान प्रथम सम्यक दर्शन कहते हैं। समझ में आया? ये बिना दुनिया माने कि हमारे ऐसा हम मानते हैं, देवगुरु शास्त्र को मानते हैं, ऐसा मानते हैं, ये समकित फमकित है ही नहीं। समझ में आया? नहीं, ये सम्यक दर्शन पूर्वक सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन हो तो ज्ञान को सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान कहने में आता है। सम्यक दर्शन कारण है सम्यक ज्ञान, कार्य दीपक कारण है प्रकाश कार्य है। समझ में आया? होता है एक साथ दीपक और प्रकाश होता है एक साथ, पर दीपक कारण है प्रकाश कार्य है। एम सम्यक दर्शन नहीं साथ ज्ञान होता है, पर सम्यक दर्शन कारण है सम्यक ज्ञान कार्य कहने में आता है। एक समय में दो है, वो सम्यक दर्शन कैसा दुनिया माने ऐसा नहीं, कई देवगुरु शास्त्र को मानो नव तत्व है मानना ये नहीं, वो तो व्यवहार भेद है विकल्प है नहीं। समझ में आया? भगवान आत्मा निर्विकल्प सच्चिदानंद प्रभु सिद्ध समान जैसा परमेश्वर त्रिलोकनाथ सर्वज्ञ देवे देखा है,
ऐसा अंतरात्मा में मैं उपदेश देने वाला ही नहीं, मैं वाणी का करता नहीं, तो वाणी तो जड़ है, उपदेश कौन करे? समझे आया? वाणी किसकी है? तो जड़ की है, मेरी है नहीं, मैं उपदेश करता हूँ तो दुनिया को लाभ होगा, ये मान्यता मिथ्या दृष्टि की है। भाई अरे बात भाई सत्य बात, क्यों? तो उपदेश की क्रिया है जड़ की, वो तो परमाणु की है, ये आत्मा उसका करता नहीं। है नहीं। और वो विकल्प उठते हैं जरी राग, राग भी अपना स्वरूप नहीं, अपना कर्तव्य नहीं। समझ में आया? ज्ञानानंद निर्विकल्प अनुभव में आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आना, अने स्वाद में भान होकर प्रतीत होना, उसका नाम भगवान सम्यक दर्शन कहते हैं। बोलंदा भाई, ये सम्यक दर्शन पीछे स्वरूप में शांति अतीन्द्रिय आनंद की बढ़वारी होना, सम्यक दर्शन में आत्मा का आनंद का अनुभव हुआ। मैं अतीन्द्रिय आनंदी हूँ, मैं राग पुण्य व्रत व्रत अव्रत का विकल्प उठते हैं, वो भी मैं नहीं, वो मेरा स्वरूप नहीं, मैं आनंद ने ज्ञान मूर्ति हूँ, ऐसा अंतर में अनुभव हुए पीछे स्वरूप में शांति अकषाय भाव, दूसरा कषाय नाश होकर अंतर में शांति सरवार सिर देव को क्षाय समकृति को जो शांति नहीं, इससे विशेष शांति अंतर में अकषाय आनंद आ जाना, अंश में अंश है, उसका नाम पंचम गुण स्थान श्रावक कहने में आता है। ये श्रावक में बार व्रत का विकल्प कैसा है? बार व्रत कैसा है? व्रत विकल्प है आश्रव, पर पीछे स्वरूप की आनंद की स्थिरता जो शांति हुई है, उसका नाम भगवान श्रावक बनाने पंचम गुण स्थान कहते हैं। तो हरे व्रतधारी का सत्य व्रत कैसा है? समझ में आया? सम्यक दर्शन बिना व्रत व्रत होता ही नहीं, बराबर है रामचंद्र? सम्यक दर्शन बिना अनुव्रत बनव्रत होता ही नहीं। अनुव्रत की व्याख्या चलती है, ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय है, चलता अधिकार बाणुमी गाथा आई है, वांचन करते करते। समझ में आया? जिसको भगवान सर्वज्ञ परमेश्वर त्रिलोकनाथ परमात्मा वितराग देव एने कया, ऐसा आत्मा का जिसको अंदर श्रद्धा नहीं, उसका अनुभव नहीं, उसकी प्रतीत नहीं, निर्विकल्प आनंद का जिसको अंतर वेदन नहीं, उसको जैन कहते नहीं। वो बिना उसका उसके अनुव्रत होता है, व्रत होता है, सब मिथ्या दृष्टि की मान्यता है। समझ में आया? मनंदर भाई वो बात कहते हैं बाणु में गाथा, देखो सत्य व्रत स्वक्षेत्र का भावे सदपि ही, वो श्लोक है, जीवन श्लोक क्षमा, स्वक्षेत्र का अभावे सदपि ही यस्मिनम निषिद्धति वस्तु तत् प्रथमम असत्यम शाप नास्ति यथा दिवदतो अत्र। ये श्लोक है, श्लोक क्या कहते हैं देखो, यस्मिनम स्वद्र स्वक्षेत्र स्वकाल भावे शाप अपि वस्तु निषिद्धति तत् प्रथमम असत्यम शाप, तो संस्कृत हुआ, गुजराती करते हैं, हिंदी करते हैं, जिन वचन विषय अपने द्रव क्षेत्र का अभाव नहीं करी सत्ता रूप विद्यमान ऐसा भी जो पदार्थ है तो निषेध कीजिए, काहे पदार्थ नहीं है तो पूछे तो ममम भेदम संयुक्त भूल गए थे प्रथम शब्द जी सो मह भेद एम प्र जी प्र थी गये तो प्रथम भेद संयुक्त असत्य है। उदाहरण कहे यथात्र देवदत्त नास्ति, जैसे यहाँ देवदत्त नहीं है, क्या कहते हैं तो, जैसे कहीं देवदत्त के नाम का मनुष्य हो और कोई कहे कि यहाँ नहीं है, होने पर भी नहीं है, ऐसा कहना झूठ है।
ऐसे आप तो दृष्टांत हुआ, ऐसे अपना आत्मा में द्रव्य क्षेत्र का भाव अपना द्रव्य अर्थ में है। देखो पीछे है द्रव्य कहिए जिस क्षेत्र को एक करी द्रव्य है ना, वस्तु को नास्तिक है ना, सो कुछ यह पदार्थ है जिसको तो द्रव्य कहिए। क्या कहते हैं जरी सूक्ष्म बात आ गई है, वस्तु है ना, वस्तु आत्मा परमाणु पॉइंट परमाणु है ना, हाँ मूल चीज नहीं है, तो अनंत परमाणु का पिंड रूप खंड, खंड नाम पिंड है पॉइंट ये, उसका जो आखिर का परमाणु है टुकड़ा उसको परमाणु कहते हैं। और ये आत्मा देह से भिन्न ऐसा अनंत आत्मा, ऐसे अनंत परमाणु, ऐसे असंख्य कारणाणु, एक धर्मास्ते एक अधर्मास्ते आकाश, ऐसा सर्वज्ञ परमेश्वर है परमात्मा, ये केवल ज्ञानी है, छह द्रव्य दिखा है, छह द्रव्य जातीय संख्या ही अनंत। तो कहते हैं कि कोई पण पदार्थ अपना वस्तु स्वरूप द्रव्य है ना, उसमें जो कुछ वह पदार्थ है जिसको तो द्रव्य कहिए, जन आत्मा या परमाणु, तो वस्तु है परमाणु, वस्तु है आत्मा, वस्तु है उसको द्रव्य कहिए। तो अनंत जिस क्षेत्र को एक करी तीसते सु क्षेत्र, आत्मा असंग प्रदेशी अपना क्षेत्र है, समझ में आया, असंग प्रदेश अपनी चौड़ाई रखते हैं आत्मा, परमाणु एक प्रदेश की चौड़ाई रखते हैं, तो उसका उत्सव क्षेत्र कहने में आता है। और आत्मा में अपनी अवस्था ज्ञान आनंद शांति की जो गुना उस वकाल की अवस्था है, और उसके साथ में राग आदि का होना विकार की अवस्था है, तो वो अपनी पर्याय स्वकाल में अपने से है, अपने से है, उसको ऐसा न मानकर ये परसे है ऐसा मानना वो असत्य झूठ है। हरी ने कही फ्री ने कही छोड़ो एम नम नहीं मुख्य लिखे क्या कहते, समझ में आया, आत्मा वस्तु है द्रव्य पदार्थ अस्थि अनादि अनंत है, सत वस्तु है, वस्तु गुण शक्ति और उसकी अवस्था उसका पिंड उसको द्रव्य कहते हैं, और उसका अवगाहन जितना क्षेत्र में रहते हैं उसको उसका नाम क्षेत्र कहते हैं, वो दो तो उसकी पौड़ाई और गुण पर पिंड दो, उससे आत्मा है, उससे है, पर से नहीं, शरीर से नहीं, कर्म से नहीं, पर से नहीं। अरे आई बात तीजी तीसरी सूक्ष्म कि आत्मा सम्यक दृष्टि की बात है ना, कि सम्यक दृष्टि को श्रावक को ऐसा अनुभव हुआ है कि अपना आत्मा आनंद ने ज्ञान स्वरूप चिदानंद में हूँ, मैं राग ने देह की क्रिया का करने वाला मैं नहीं, मेरी पर्याय में मेरा अस्तित्व में मेरी वर्तमान स्वकाल का होने में मेरी पर्याय में जो सम्यक दर्शन ज्ञान ने शांति का अंश हुआ कि मेरा स्वकाल है, समझ में आया, कि मेरे से मेरे में है, पर के कान से नहीं, अपना आत्मा द्रव्य नाम वस्तु है त्रिकाल, और क्षेत्र अपना असंख्य प्रदेश की उसकी चौड़ाई, उससे आत्मा है, कर्म से है, शरीर से है, पर से है ही नहीं कि निकालने, तो अपना द्रव्य से है, अपना क्षेत्र से है, और अपना काल से है। काल शब्द है वर्तमान अवस्था, काल शब्द है वर्तमान पर्याय, काल शब्द है गुण की वर्तमान दशा, जो त्रिकाल गुण जो है उसकी वर्तमान दशा सम्यक दर्शन दशा है। सम्यक दर्शन ही निर्विकल्प आत्मा का अनुभव के पर्याय है, और सम्यक ज्ञान आत्मा का ज्ञान राग से भिन्न पर से भिन्न होकर अपना जो ज्ञान हुआ वो भी एक सम्यक ज्ञान आत्मा का पर्याय रूप स्वकाल है, तो वो अपने से है ऐसे न मानकर स्वकाल
पड़ते हैं। समझ में आया? तो अपना अस्तित्व उसने उड़ा दिया कि अपना सम्यक दर्शन में कुछ कर्म दर्शन में उठा उसका हट गया तो अपनी सम्यक दर्शन की पर्याय उत्पन्न हुई। मूंड है उसको सम्यक दर्शन की खबर नहीं। व्रत कहाँ से आया? सम्यक दर्शन बिना चौथा गुणस्थान का ठिकाना नहीं, उसको व्रत कहाँ से आया? व्रत तो पांच मिनट छठे में होता है। जी सम्यक दर्शन की खबर नहीं, सम्यक दर्शन किसको कहते हैं खबर नहीं, सम्यक दर्शन है नहीं, व्रत कहाँ से आया? समझ में आया? वितराग परमेश्वर के मार्ग में श्रावक का पंचम गुण स्थान में दशा कैसी है उसका वर्णन चलते हैं। मुनि की तो अलौकिक दशा होती है, मुनि की तो वो तो अलौकिक अंतर आनंद में अतीन्द्रिय आनंद झूलते हैं, उसको मुनि कहते हैं। अतीन्द्रिय आनंद ना उभरा, उभरा क्या कहते हैं? उफान। समुद्र में आते हैं ना बाढ़, उफान बाढ़ आती है ना बाढ़, ऐसे ऐसे भगवान आत्मा प्रथम तो सम्यक दृष्टि होते हैं, तब आत्मा का स्वरूप का आनंद और आत्मा का पूर्ण आनंद स्वरूप है उसकी प्रति तंत्र भान सक होती है। पीछे श्रावक होते हैं, सच्चा की बात है, असंप्रदाय की बात है नहीं। वस्तु अंदर में है उसमें आनंद में विशेष एकाकार होकर आनंद की एक अंश दशा विशेष चौथे गुण स्थान से विशेष प्रकट हुई, विशेष शांति हुई, उसको पंचम गुण स्थान। ये गुण स्थान में सत व्रति कैसा होता है उसकी बात चलती है। ये बिना व्रत व्रत होता नहीं। समझ में आया? अब भानु गाथा चलती है ना, तो चलते चलते भानु आई है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। रामचंद्र जी ऐसी है भगवान, बात तो ऐसी चीज है पर उसको खबर नहीं, खबर नहीं क्या चीज है, क्या सम्यक दर्शन है। कि सम्यक दर्शन हुआ क्या तो आत्मा मुक्त है, ऐसा अंतर अनुभव में बाण हो जाता है। समझ में आया? हो राजपाट घृष्टाश्रम में हो पर अंदर में निर्लेप दृष्टि अंदर शुद्ध आनंद कंद की हो जाती है कि जिसमें राग का व्रत का विकल्प जो है व्रत वो भी मेरा कर्तव्य नहीं, मेरा स्वरूप नहीं, मैं उसे बंधन में आता हूँ, मेरा स्वरूप ये नहीं। समझ में आया? सूक्ष्म बात है थोड़ी, सुनने में आते कि नहीं भैया? लौकिक से दूसरी बात है यार, सारा जगत से है। सही है, अच्छा भैया बात तो ऐसी है। आत्मा ये आत्मा का आनंद का स्वाद की अनुभव दृष्टि हुई, पीछे स्वरूप में स्थिरता का अंश विशेष शांति का हुआ, उसमें सत्व्रत वाला कैसा श्रावक है उसकी बात होती है। तो कहते हैं कि श्रावक अपनी पर्याय में जो अपनी पर्याय सम्यक दर्शन ज्ञान में शांति दो कषाय का अभाव हुआ, अपना अनुभव में खात्री हुई कि मैं आनंदमय हूँ, मैं निर्विकल्प शांतमय हूँ, मैं राग नहीं पर नहीं, ऐसा अनुभव में जो सकाल की पर्याय अपने से हुई है कि अपना से सत है, साथ जरी राग भाग भी है, जब लग पूर्ण नहीं है तो राग है, दया दान का विकल्प भी है, राग है बंधन का कारण है, तो वो भी समझते कि मेरा सकाल में है, पर राग है तो सम्यक दर्शन है ऐसा भी नहीं, अन्य राग है तो कर्म के निमित्त से राग हुआ है, कर्म के कारण हुआ ऐसा भी नहीं। समझ में आता है? खरी खुला तरीके मदर खुला से करते हैं, समझ बात आई है, हमें स्पष्टीकरण करते हैं। स्वका भगवान आत्मा अपना आनंद ज्ञान मूर्ति का भान हुए पीछे विशेष शांति आई अंदर एकाग्र होकर, पीछे कहते हैं कि अपनी पर्याय में अपनी अवस्था में उस अवस्था को स्वकाल कहते हैं। तो स्वकाल में दो भाग है, श्रावक का वर्तमान अवस्था में दो भाग है, एक शुद्ध का अंश प्रकट हुआ है
ये अशुद्ध का राग है, पूर्ण शुद्ध नहीं है। पूर्ण शुद्ध हो तो वितराग हो जाए, पूर्ण अशुद्ध हो तो मीठा दृष्टि है। तो अपना शुद्ध स्वरूप में अपना आश्रय शुद्ध करके जितना सम्यक दर्शन ज्ञान शांति निर्विकल्प आनंद आदि पर्याय प्रकट हुई वो अपने से है, अपने से है। एक बात वो साथ में जब दया दान का विकल्प राग आता है, विकार है, बंध का कारण है, ये है समझते हैं वृंदा जी? जैसा आप समझते कि पर्याय मेरे से है सकाल है ना? सकाल है कि नहीं? वस्तु त्रिकाल है, क्षेत्र चौड़ा संघ प्रदेशी आत्मा का है और उसमें गुण है पीछे आएगा भाव। तो स्व द्रव्य से है, स्व क्षेत्र से है, स्व काल से है। स्व काल नाम अपनी पर्याय धर्मी जीव की अंतर आनंद ने ज्ञान की शांति और ज्ञान की एकाग्रता का जो विकास हुआ है, विकल्प राग रहित जो दशा हुई है, वो शुद्ध की अवस्था मेरे से है। कोई पूर्व पर्याय के कारण से नहीं, कोई राग बीच में आया है, दयादान का राग आता है शुभ राग, तो उसे भी नहीं, और कर्म का अभाव हुआ तो मेरी पर्याय सी हुई ऐसे भी नहीं। मेरा स्वकाल की श्रद्धा ज्ञान शांति की पर्याय मेरी मेरे से है, सब से है, अस्थि मेरे से है, पर से है नहीं। और उसकी साथ में जितना राग आया, बार व्रत का विकल्प उठते हैं, मैं पर को दुख न दो, ऐसा व्रत का विकल्प, व्रत ही विकल्प है, राग आश्रव है, व्रत संवर ममर नहीं। समझ में आया? पंच महाव्रत का परिणाम संवर नहीं, ये विकल्प है। वृत्ति उठते हैं को जीव को दुख न लो, ऐसी वृत्ति है तो वृत्ति है, राग है, विकार है। तो सम्यक दृष्टि को ये राग आता है, समझते हैं कि राग की पर्याय स्वकाव से मेरे से है, और राग की पीछे अपनी श्रद्धा ज्ञान शांति की निर्मल पर्याय हुई कि स्वकाव अपने से है, राग से नहीं, राग पर से नहीं, अपना स्वकाल से पर की अवस्था का काल नहीं। समझ में आया? स्वकाल है कि स्वकाल टिप्पणी है ना, दाखो है सच तो दीर्घ मुंह पाठ माता समझो दत्तम पीएम थे नो मानुष है ने सतपी ही एम सब पढ़ो ना सतपी ही अस्थिपणे है ते, ऐसा पाठ है, कौन करते है? कोई करते नहीं उपदेश, करते नहीं निकलते है तो उपदेश निकलते है, करते नहीं। रामचंद्र जी सुनो, वाणी निकलती है आत्मा करते नहीं, उपदेश आत्मा कर सकते नहीं। कौन सा वाणी कौन करे? जड़की पर्याय को, जड़की पर्याय उत्पन्न होती है, किसको करे? सुनने वाला सुने तो उसको पना ज्ञान हो तो वाणी को निमित्त कहने में आता है, दूसरा कुछ है ही नहीं। नहीं शरीर रही तो यह है टिका, आप क्या सुना? नहीं है शरीर, शरीर में है, शरीर शरीर में, आत्मा में नहीं। ठीक है महाराज जी, तुम्हें क्या तो पहले ही भूल बड़ी पहले क्या तो चलता है ना, पहले सुना नहीं कि अपना द्रव्य अपने से है, पहले तो आया अपना द्रव्य पहले से तो आया, सुना नहीं ख्याल में नहीं आया भैया भाई, इतना है बात भगवान ने पहली आती भाई आ गई है। सतपी द्रव्य सतपी आया, देखो स्व क्षेत्र काल भाव सतपी, इतने स्व द्रव्य से सत है, स्व क्षेत्र से सत है, स्व काल से सत है, स्वभाव से सत है, स्व कैसा आ गया है? बराबर अच्छा आ गया है। तो अपना द्रव्य जो है वस्तु अपने से है, शरीर से नहीं, चिंकार में नहीं, अभी शरीर से है ही नहीं आत्मा, आत्मा शरीर में नहीं, अपना अपना में है, शरीर शरीर में है। रामचंद्र जी
प्रत्येक पदार्थ का द्रव क्षेत्र का अभाव से अपना है और पर पदार्थ का द्रव क्षेत्र का अभाव से प्रत्येक पदार्थ नहीं है। यहाँ तो अस्थि से चलता है, दूसरा भाग में नास्ति से आएगा, पीछे आएगा त्राणु में। हाँ तो अस्थि सिद्ध करते हैं। अरे भगवान क्या है, भगवान आत्मा वर्तमान में अभी त्रिकाल है, त्रिनेव काल में आत्मा अपना द्रव्य नाम गुण पर्याय का पिंड से है, पर द्रव्य शरीर कर्म से है ही नहीं, नहीं तो अपना अस्तित्व रह सकते नहीं। समझ में आया, अभी भी शरीर शरीर का एक एक पॉइंट एक एक हाथ शरीर मूल चीज नहीं है, उसको पहले से कहा था आखिर का जो पॉइंट है टुकड़ा है उसको परमाणु कहते हैं। तो एक एक परमाणु अपना द्रव क्षेत्र का अभाव से है, अपना द्रव से है परमाणु, एक एक पॉइंट अपना गुण पर्याय का पिंड से है, आत्मा से नहीं, परमाणु अपना स्वक्षेत्र प्रदेशी अपने से है, आत्मा से नहीं। और परमाणु में जो पर्याय होती है ऐसी देखो कि पर्याय उसका स्वभाव है, कि परमाणु की पर्याय अपने से है, आत्मा से नहीं। बात ये भी गड़बड़ी चढ़ी गई है ने, अभी तो पहला बे जुदा थे यानी खबर अनुभव तो क्या से हो, बराबर है। भगवान आत्मा तो पहले से कहा था, विज्ञान घनाम चैतन बिंब अंतर नगर करने से, ये तो इतना विज्ञान घन है, वो विज्ञान घन में रागी नहीं तो शरीर का से आया, धूड़ ही शरीर तो बाहर रह गया, धूड़ है माटी का पिंड है आप। जी अरे भगवान उसकी उसको खबर नहीं, अरे माने के हमको धर्मी हम धर्म करते हैं, धूड़ में धर्म नहीं। समझ में आया, कहते हैं कि आत्मा अपना स्वद्रव से है, पर द्रव से है, देखो जो अंगुली अंगुली द्रव है वस्तु, तो अपने से है अंगुली से नहीं है, अंगुली से अंगुली नहीं है, क्या पर क्या भाव रूप है, अंगुली कट जाए तो पड़ा रहती है, तो उससे ये नहीं है, अपने से है पर से नहीं है, ऐसे एक एक पॉइंट परमाणु रखकर अपने से है पर से नहीं है, ऐसे एक एक आत्मा अपने से है पर रत्कण ने पर आत्मा से नहीं है। समझाई से गाय लॉजिक न्याय से तो है, वितराग मार्ग न्याय से कहते हैं, ऐसा नहीं ऐसा मान लेना, ऐसा नहीं, लॉजिक से न्याय से युक्ति से अनुभव में भाव आवे उसका भाषण करके मानना उसका नाम यथार्थता है। समझ में आया है, जीनी आई आयु से ही क्या करे, अधिकारी आया रामचंद्र जी, जो रामचंद्र जी को दिया है तो अधिकार वो आया है, और अच्छा अधिकार है, है? लॉजिक से न्याय से सिद्ध करना करे कि न्याय ऐसे संदेह न चले, भगवान आत्मा आती है नहीं कहा ने, उसका चार बोले वस्तु है, आप मूल चीज नहीं, आप पॉइंट तो सारी चीज है उद्रक, तो अपने से है उससे नहीं, सारा क्षेत्र है थोड़ा अपने से आ क्षेत्र से नहीं, उसकी अवस्था है स्वतः अपने से है उसके काल से नहीं, और उसकी शक्ति है भ्रण गंधर्व बा उससे है उससे नहीं, ऐसे भगवान आत्मा आए तो आत्मा को भगवान ही कहते हैं। कृष्ण जी भगवान आत्मा भाई आदिमा आम नजर तो कर पेली अंदर जो तो करो आम जो एक विज्ञान घन है तेने देखा बीजू कई ये विज्ञान घन वस्तु अपने से है शरीर से नहीं, जो शरीर से भी हो तो भिन्न रह सके नहीं। समझ में आया, अनादि का होता निगोद में एक शरीर में अनंत जीव है, निगोद आलू बताता ना उसमें एक कणी है, एक कणी इतना राज जितनी उसमें असंख्य तो शरीर है उदारी, और एक शरीर में अनंत जीव है,
और एक जीव अपना द्रव क्षेत्र का आसपास से है, दूसरा जीव से नहीं है। न्याय से तो ख्याल में आ जाते हैं, चौकस न्याय से समझना चाहिए। न्याय यम मार्ग है, न्याय से, लॉजिक से, ज्ञान से, उसको यथार्थ जैसा है उसके ज्ञान को न्याय ले जाना, उसका नाम न्याय कहने में आता है। समझ में आया? तो आई कहते हैं कि जो पण आत्मा के कोई पण परमाणु अपना स्वभाव की अस्थि से सत्य है, उसको एम ना पारना कि नहीं 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 नहीं, अपनी पर्याय अपने से नहीं, अपनी पर्याय पर से, ये मिथ्या दृष्टि अज्ञानी है, उसको सत्य व्रत होता नहीं। समझ में आया? मूल की भूल है भैया, बात रामचंद्र मूल भूल है भाई, अनादि की मूल रहेगी, अनंत बैर नवमी गृह के गई है, जैन दिगंबर साधु होकर मुनि व्रत धार अनंत बैर गृह को उपजायो, पर आत्म ज्ञान बिन लेश सुख न, आनंद वाल नग्न दिगंबर सूत या धूल में आत्मा क्या है उसका अनुभव ने, सम्यक दर्शन बिना तेरा सब एकड़ा बिना ना रण में पोक है, रण में पोक समझते हैं, अरण रुदन, अरण रुदन, तेरा रुदन कोई सुनने वाला नहीं। समझ में आया? ये छोटा भाई व्याख्यान में बहुत आते थे हो हमारे क्या, समझे निवासी नहीं साल थी हो, 3000 मानस की अंदर चलो तू ना, अपने भोजन खाव नहीं बाहर नहीं, अपनी दास में आई मत हो, हाँ पूछे पूछो पूछता जी प्रेम तो रो फोटोग्राफ कर आवता बो, हाँ ये नहीं समझाई से कहा, न्याय से, लॉजिक से, युक्ति से, अनुभव से, नाग्यम से वसुस्थित होना चाहिए, ऐसे मानना ऐसी चीज है नहीं। तो आत्मा अपना स्वरूप के स्वकाल से है, सम्यक दृष्टि ऐसे मानते हैं कि अपनी वर्तमान दिशा जो निर्मल हुई है ये अपने से हुई है, अपने में है, और जो राग दया दान व्रत का विकल्प उठते हैं ये राग अपना स्वकाल में अपने से है, ये राग पर से है अपने से ना पारना नहीं है, झूठ है उसका कथन, झूठ उसका उपदेश, झूठ उसकी मान्यता, झूठ। रामचंद्र जी भैया ऐसा है तो झूठा हो गया, समझ में आया? वितराग का मार्ग है, उसमें कोई गड़बड़ चले नहीं। इंद्रो जिसको मानते हैं, गंधर्व जिसको, भगवान विराजते हैं मालवीय क्षेत्र में, सिमंदर परमात्मा, त्रिलोकनाथ वर्तमान मालवीय विराजते हैं, समझ में आया? केवल ज्ञानी त्रिलोकनाथ है, उसने कहा हुआ महाराज एकाल तक ठंगरों कहते हैं, ऐसा वो कहते हैं, सब तीर्थंगर एक है, दूसरे एक ही बात करते हैं, दूसरी कहां से वो सच वही कहे, सच कहे। आई कहते हैं देखो, जिस क्षेत्र कहिए, जिस काल में जिस रीति प्रण में, जो जिस काल में जिस रीति प्रण में है सो काल कहिए, बस इतना अर्थ चलते हैं उसमें, है उसमें जिस काल में अपनी पर्याय स्वकाल में वर्तमान अवस्था में परमाणु भी एक समय में स्वकाल में वो परमाणु भी अपने कारण से भाषा की अवस्था होती है, भाषा की परमाणु की जो अवस्था वो भाषा का स्वकाल है, इस स्वकाल अपनी अस्थि से है, आत्मा की इच्छा हुई तो वाणी निकली, ऐसा है नहीं। समझ में आया? फिर बात है भैया, पर समझने तो इच्छा बिना वाणी निकलती है, इच्छा है स्वकाल अपना स्वकाल में है, अने वाणी की पर्याय उसका स्वकाल में है, आज उसका स्वकाल यहाँ नहीं आता उसमें नहीं, अभाव है। फिर बात करो, नक्की करो, ऐसे नहीं चले आई तो पक्का करके पीछे चलेगा। अपनी अपनी भिन्न भिन्न पर्याय से है, पर्याय भिन्न भिन्न है कि नहीं, सबकी सब द्रव की भिन्न भिन्न अवस्था है ना, परमाणु की भिन्न भिन्न अवस्था है, वो कारण से भिन्न भिन्न अवस्था दिखती है, तो अपने कारण है दुख की कल्पना, वो कल्पना स्वकाल में अपने से है, वो अपने से है, पर से नहीं,
गरीबी के है, गरीब गरीब है ही नहीं, मैं गरीब हूँ ऐसी मान्यता है अपनी सरकार वैज्ञानिक को है। गरीब केवा तो धूड़ है, पर की 5-5 करोड़ हो 10 करोड़ धूड़ हो तो धूड़ तो परमाणु अपनी पर्याय से स्वकाव से उसे है, तो उसका स्वकाव से है, तेरा स्वकाव से है, तेरे में घुस गई ये चीज, समझ में आया? अरे बात भाई वकील स्वराज नहीं, वस्तु ऐसी है, ऐसी है नहीं तो दूसरी रीति हो सकती नहीं, करो न्याय, ऐसी काम चले नहीं, ऐसे मानता चले अंधश्रद्धा, ऐसी बात है नहीं, समझ में आया? भगवान परमेश्वर त्रिलोकनाथ फरमाते हैं ऐसा संतो महामुनियो दिगंबर अंतर अनुभव करके चारित्र की आनंद की दशा में रमते झूलते थे वनवास में, उसमें श्लोक मिल गया है, विकल्प से श्लोक बनाया नहीं, बन गया है वाणी से, बनाया? कौन बनाए वाणी से बन गया है, उद्गम से बन गया है श्लोक, आत्मा से बनते हैं, आत्मा में वाणी है तो बनाए, हम सूक्ष्म बन गया हूँ, समझ में आ सकते हैं न्याय से साथ है, एक एक परमाणु है ना भगवान, एक एक परमाणु है तो भगवान कह के बोलाते आत्मा को, अज्ञान तो उसकी दिशा में है, वस्तु तो भगवान है। तो कहते हैं भगवान एक बार सुन तो सही प्रभु, तेरी वर्तमान दिशा में तेरी अवस्था, अवस्था कहो, दशा कहो, स्वकाल कहो, स्वपर्याय कहो, त्रिकाल द्रव का वर्तमान अंश कहो, ये अंश निर्मल पर्याय समकीति ऐसे मानते हैं कि मेरी सम्यक दर्शन ज्ञान पर्याय मेरे स्वकाल में मेरे से है, और मेरे में जरी राग भी आता है, वो काल में राग आया वो पूर्व के काल से नहीं, पर से नहीं, अपने काल से वो राग अपने से आया है, पर ज्ञानी राग को ये मानते हैं व्रत का है, हमारी कमजोरी है, अपना पुरुषार्थ की कमी है, शारीरिक गुण की विपरीत प्रिया अपने से हुई, जो हुई कि अपनी नबड़ा कमजोरी से हुई, अपना स्वकाव से हुई है, स्वकाव चारित्र गुण है ना, टिकाव टिकाव गुण हो, अंतर प्रिय हो, चारित्र पर्याय प्रकट हो नहीं, टिकाव गुण है उसकी विपरीत पर्याय राग उस समय आती है, जानते हैं संगत दृष्टि के राग है दयादान का विकल्प है, मेरी पर्याय में है, अस्थि रूप है, ये है मेरा आदरणीय है नहीं, अरे बात समझाई से कहा परमात्मा त्रिलोकनाथ परमेश्वर वितराग दे सौ इंद्रनी समक्ष मा ऐसी दिव्य ध्वनि करते थे, एम कहना ही व्यवहार दिव्य ध्वनि होती थी, समझ हाँ हाँ हाँ, भगवान भी वाणी करते हैं ऐसा है, वाणी भी अनंत परमाणु का पुंज रूप एक अवस्था है, उसको वाणी कहते हैं, वो परमाणु की स्वकाल की अवस्था है, आत्मा का कारण से ये अवस्था होती नहीं, खबर न मळे मूल बात नहीं, અને પછી અમે ધર્મ કરીએ છીએ, ધર્મ બાપુ ક્યાંથી ધર્મ આયા, હજી સંજ્ઞક દર્શન ની ખબર નહીં, વ્રત કાંસે આયા, મુનિપણા કાંસે આયા, અનુવ્રત કાંસે આયા, વકીલ હે પાલી થાણા, સમજ મેં આયા ક્યા, ભાષા નીકળતી હે ને, પરમાણુ કહેતે હૈ કે પરમાણુ દ્રવ્ય હૈ, उसका पौड़ाई चौड़ाई एक प्रदेश है, उसकी वर्तमान अवस्था होती है स्वकाल अपने से स्वकाल है, आत्मा की इच्छा हुई तो आप पर्याय हुई, ऐसे नहीं आत्मा में ज्ञान हुआ कि मैं ऐसा बोलूं तो ज्ञान के कारण से भाषा की पर्याय नहीं, भाषा की स्वकाल अवस्था अपने से है, पर से है नहीं, नक्की करो, ऐसे चले नहीं, ऐसे मानता ऐसे न चले, छेड़ के सच का निर्णय करना चाहिए, समझ में आया? तो कहते हैं जिस काल में जिस समय में कोई पण परमाणु कोई पण आत्मा सद्रव है, द्रव संख्या अनंत है, जाति इच्छा है, अनंत आत्मा हो, अनंत परमाणु हो, असंख्य कालाणु हो, एक धर्मास्थ एक धर्म आकाश की बधी वस्तु है, हो अस्थि है,
ये हस्ती है छन एम एक नथी काल को तो भाई माई नास्ती थी गई सद्र है अपना ज्ञान की एक समय की पर्याय में सद्र जानने की ताकत है तो एक समय की पर्याय कबूल करने वाला सद्रव के है ऐसी कबूलात उसको आती है एक सद्रव नहीं उसमें एक द्रव नहीं ऐसा निकाल दे अपनी ज्ञान की पर्याय उसने निकाल दिया अपनी पर्याय को उसने माना नहीं। फिर बात करते हैं एकदम जाई चली गई बात फिर बात जगत में सद्रव है सुनो अनंत आत्मा अनंत परमाणु संकालानु एक धर्मा सद्रव आकाश भगवान केवल ज्ञान में सद्रव लेता है अनादि अनंत सद्र में कोई एम माने काल नहीं है तो उसने नास्ती किया अपनी ज्ञान की एक समय की पर्याय में सद्रव जानने की ताकत है तो जिसने सद्रव न माना उसने एक समय की पर्याय इतनी है उसकी नहीं मानी। अरे जी बापू भगवान महात्मा नो मार्ग सूक्ष्म है तो जो है एक समय की ज्ञान की अवस्था है अपने से है तो अपने से है कब उसको अस्तित्व माना कि जितना जगत में पदार्थ है सद्रव को जानने की एक समय की पर्याय में पता था तो एक समय की पर्याय अपने से है ऐसे मानने वाला सद्रव जगत में है ऐसे उसमें आ गया पर सद्रव जगत में नहीं ऐसे मानने वाला अपनी पर्याय को भी मानते है अरे भगवान एनो मार्ग सिंह बेचारा ने सांभवा मले नहीं आंधड़ी आंधड़ा अंधो अंध पुलाय भगवान त्रिलोकनाथ परमात्मा तेरी पर्याय में नहीं तो सम्यक दृष्टि की बात चलती है ना ये सम्यक दृष्टि अपने को जानते हैं कि मेरे सम्यक दर्शन की पर्याय है ज्ञान की है और जरी स्थिरता की शांति भी है ऐसी दशा में मेरे जरी राग भी है तो वो राग और अनंति पर्याय की अपना अस्तित्व से क्या क्या दिखा जिस काल में जिस रीति प्रण में है जे काल में आत्मा जे प्रकार प्रण में ते हैं जे समय की अवस्था में प्रणमते हैं जिसको समझे है सो काल कहिए इतना में सब पड़ा है खैर जिस काल में जिस रीति प्रण में है आत्मा और परमाणु से द्रव जिस समय में जिस रीति से जिस प्रकार से उसकी पर्याय का प्रणमन हुआ अपने से है परमाणु में भी ऐसी पर्याय जो है दो ऐसी हुई भाषा की परमाणु जिस रीति से जिस काल में जो परिणमन भाषा रूप होती है ये अपने से है दूसरा परमाणु से नहीं कर्म से नहीं आत्मा से नहीं अनंत द्रव है उसकी मान्यता किसको हो समझ में आया मैं अखंडानंद ज्ञायक चिदानंद मूर्ति मेरे में तो अनंत ज्ञान आनंद पड़ा है मैं अल्पज्ञ तो इस समय की पर्याय में हूँ काल में तो अखंड आनंद प्रभु हूँ ऐसा अनुभव में प्रतीत आनंद आया सब कहते हैं कि मेरी पर्याय मेरे स्वकाल से मेरे रीत से मैं मेरे काम से परणमा हूँ और राग आया दयादान का तो मेरे से है वो तो दया का परिणाम आया तो उससे हाथ लंबा हुआ और दूसरा को दान देने की पर्याय पैसा देने की मेरे राग की मंदता हुआ तो उससे पैसा देने की पर्याय हुई ऐसे ज्ञानी मानते नहीं हमारी बात है ये तो सही कि अपनी जानने की पर्याय अपने से है जानने की पर्याय जो हुई पर्याय पर में उससे अपने में नहीं अपनी पर्याय अपने से है अपने को जानते है कि अपनी पर्याय अपने से है और अपनी पर्याय से पर की पर्याय है ऐसा नहीं समय भगवान समझ में आया
ભગવાન છે ને રામચંદ્ર ભગવાન થઈ ગયા એટલો બડી શક્તિ ભાઈ કેવલ જ્ઞાન લઈને કઈ શક્તિ હે તો સાચી સમજને કઈ શક્તિ કેવો ન હોવ એક સમય માં કેવલ જ્ઞાન લઈને કઈ શક્તિ ભગવાન ઉસકો ક્યાં રાગ કા નાશ કરને કી નથી એક સમય માં કેવલ જ્ઞાન લઈને કઈ શક્તિ હે તો કહેતે હૈ એસા ભગવાન આત્મા કા જ્યાં નિર્વિકલ્પ દ્રષ્ટિ હોકર સમ્યક દર્શન હુઆ તબ અપની પર્યાય મેં જીતની પર્યાય નિર્મળ હોય સ્વકાલ કી રીતિ સે હોય ક્યાં કહેતે જીત કાલ મેં જીત રીતિ જે પ્રકાર જે રીતે પરિણમન હુઆ જ્ઞાન કા દર્શન કા આનંદ કા રાગ કા જે રીતે એ અપના સે સ્વપ હૈ એ સ્વકાલ સે સ્વપ હૈ વાસ્તવ બિલકુલ નહીં પરમાણુ એક પોઈન્ટ હૃદકણ ઓર અનંત પોઈન્ટ એક હોકર જો પિંડ અખંડ હૈ અંગુલી અખંડ પિંડ ઉસકી જો અવસ્થા એસી હોતી હૈ હોઠ હલતે હૈ ઉસ પ્રકાર મેં કી રીતિ સે હોઠ કી પર્યાય હોઠ કહેતે ના હો જીસ કાળ મેં જીસ રીતિ જો હોઠ જૈસે પ્રણીત હૈ એ અપની પર્યાય સે પ્રણીત હૈ અપને સે વો પર્યાય હૈ આત્મા સે નહીં પર સે નહીં કર્મ સે નહીં સમજ મેં આયા ઉસ ભાષા કી પર્યાય હોઈ આ હોટસે નહીં વસ્તુ હૈ ક્યાં વિધાનકાર તો વસ્તુ એક ચીજ હૈ કે ક્યાં કર દેતે કોઈ મેં અલગ ચીજ હૈ અલગ ચીજ હૈ નહીં નહીં ઝૂઠ હૈ સબ બાત યે સબ ઝૂઠ હૈ અજ્ઞાની કી માનતા હૈ કર્મ જડ હૈ જડ ક્યાં કરે તેરે મેં જડ કી પર્યાય જડ મેં તેરી પર્યાય તેરે મેં હું તો અહીંયા ચલતી ભૈયા એસા ભગવાન કર્મ કે અક્રમાત્મક રૂલાતે હૈ જડ ઈશ્વર જગત મેં ઈશ્વર કહેતે હૈ રૂલાતે હૈ અને જૈન મેં કર્મ રૂલા હૈ તો ઈશ્વર કરતા કર્મ તો જડ હુઆ તેરા સ્વામી જડ હુઆ મૂર્ખા હૈ તેરી મડી હમરે તો ભાઈ હમરે જૈન મેં તો કર્મ ભરા હૈ કર્મ ભરા ભાઈ ઉસમે હર જા તેરે ઘર મેં કહા આયા અહીં તો કહેતે કર્મ કી પર્યાય કર્મ ભી કર્મ ક્યાં ચીજ હૈ પરમાણુ કી એક પર્યાય હૈ અનંતા રજકણ કી એક કર્મ અવસ્થા હૈ ઇસ સ્વકાળ મેં પ્રણંતી અવસ્થા હૈ અપના કારણ સે નહીં અને એવું કારણ સે અપને મેં કુછ નહીં રાગ પર્યાય અપને મેં હુઈ દયાદાન વ્રત કા વિકલ્પ ઉઠે હૈ અપને સે કર્મ સે નહીં કર્મ કા સ્વકાવ ઉસમે હૈ આકાશ સ્વકાવ અપને સે હૈ અરે કઈ સચ વાત ત્રિલોકનાથ પરમેશ્વર વિતરાગ દેવ ઉસકા સચ બરા ગુટાળા ચડી ગયા હૈ પ્રભુ એ તો સત્ય સત્ય રહેગા દિનકાલ મેં કોઈ માને ઉલટા તે દૂસરા હો જાયગા એસા હૈ નહીં આઈ તો કહેતે હૈ જીસ કાલ મેં જીસ રીતિ પ્રણ મેં કોણ પરમાણુ આત્મા કર્મ નહીં પર્યાય કર્મ કા ઉદય આયા તો કર્મ કી પરમાણુ ઓ રીતિ સે ઉદય મેં આને કી પ્રણ હુઆ મેં તેરે ક્યાં હુઆ બિલકુલ નહીં કર્મ કી પર્યાય ઉસમે અસ્તિત્વ રખતી હૈ અપના રાગ અપને અસ્તિત્વ મેં રખતે હૈ રાગ મેં કર્મ કી પર્યાય કી નાસ્તી હૈ કર્મ કી પર્યાય મેં રાગ કી નાસ્તી હૈ સમજ મેં આયા મૂ વાત ની ખબર ન મળે ને ઉપર થી કરો કર્મ થઈ ગયા મહાવ્રત ને થઈ ગયા અણુવ્રત ભૂલ મેં નહીં હૈ મિથ્યા બ્રહ્મ જ્ઞાન કા હૈ સમજ મેં આયા ભગવાન આત્મા સ્વકાળ કી પ્રણતિ મેં પ્રણમતે હૈ દેખો મુનિ ભી અપને મેં એસે માનતે સૌ કા અધિકારી હૈ મુનિ પીછે આઈ ગયા ભાઈ એક હોતા હું સત કાર્ય સમય અધિકાર એક સત્તા હું છે એક હોતા હું કાર્ય પ્રતિકારી એક સત્તા હું ગાથા ગાથા સમજે ને સકળ કાર્ય એક હોતા હું કે
157 का था, यहाँ आओ 57 समझते हैं, 197 या चारित्र का। चारित्र तो अलौकिक बात है, ये बात तो कोई दुनिया सुनी नहीं चारित्र क्या है। चारित्र में जिसको परमेश्वर गंधर्व देव नमस्कार करे, ये चारित्र पद कैसा है भगवान का। ये तो अनुभव, आत्मा का अनुभव सहित, जिसको एक विकल्प का भी करता नहीं और स्वरूप में आनंद की छोर उठती हो, क्षण में छठा, क्षण में सप्तमा, क्षण में छठा, क्षण में सप्तमा गुणस्थान, क्षण में आनंद में उतर जाए, क्षण में छठा जाए, विकल्प उठते हैं, विकल्प एक विकल्प दया का स्वरूप वराज, क्षण में अंतर में उतर जाए, ऐसी सच्चा सत मुनि, वितराग का मुनि सच्चा हो, उसको तो एक दिन में हजारों बार छठा सातवां गुणस्थान आता है। समझ में आया? उसको तो एक पौनी सेकंड नींद नहीं आती, क्योंकि छठी गुणस्थान की प्रमाद दशा बहुत थोड़ी रहती, पौनी सेकंड के भाग में, बहुत हजार में भाग में नींद नहीं, एक घंटा का नींद बिन है तो मिथ्या दृष्टि है। समझ में आया? अरे बात भाई, आप तो हजी साहू की बात चलती है, मुनि की दशा आएगी एक सप्ताह से। चारित्र तो स्वरूप में आनंद में झूलना, वितराग भाव, एक पंच महाव्रत का विकल्प उठते हैं, राग वो भी आश्रव झैर दुख दुख दुख, ऐसे अंतर में अनुभव की फिरता हो, सहज दशा आनंद की हो जाए, उसका नाम चारित्र है। आई तो जी साव का व्रत में की बात करते हैं, मैं पहले आप बोलू क्या सत्य में देखो है, हम लोगों के मैं सच व्रत नहीं कर, पर बापा तने अजी वस्तु नहीं खबर बिना सच लाइव आया कहाँ से, हमारी गुजरात से थोड़ी आ जाती बैठक में। यहाँ जी सम्यक दर्शन क्या चीज है, वो प्रकट हुई बिना तेरे सच आया कहाँ से, व्रत व्रत आया कहाँ से, ऐसा व्रत चलाना तो वितराग मार्ग है, तदन विरोध मार्ग है। समझ में आया? कहते हैं एक एक परमाणु आत्मा में राग आया अपने से, कमजोरी से, अपने अस्तित्व से, उसका जानना ज्ञान ये भी उसका राग है, राग है उसका ज्ञान हुआ या अपने में, वो भी अपने से हुआ, राग से नहीं, ऐसी स्वकार से प्रवर्तन अपने में है कि पर से नहीं। और कर्म का जो परमाणु पढ़ते हैं, वर्गणा कर्म की रचकण था, पीछे यहाँ राग आया, वो समय कर्म अपनी पर्याय पने परिणाम तो राग से नहीं, कि परमाणु अपनी पर्याय से, जिसका रीति अपने परिणाम का सकार था उसे कर्म परिणाम है, राग के कारण कर्म परिणाम तो ऐसा है नहीं। प्यारे है सत्य है ऐसा था, नहीं तो झूठा है सब। समझ में आया? जिस रीति से प्रणय सो का औस पदार्थ का जैसा कठुर निक भाव है स्वभाव, चौथा बोध, प्रत्येक आत्मा और प्रत्येक परमाणु में जो टिकाव अनंत गुण जिसमें है, अनंत गुण त्रिकाल रहने वाला आत्मा द्रव्य है, त्रिकाल ऐसा उसमें गुण त्रिकाल है, अनादि अनंत अनंत, ये गुण को भाव कहते हैं, वर्तमान दशा को काल कहते हैं, त्रिकाल गुण को भाव कहते हैं, दूध पिंड को द्रव कहते हैं, पौड़ाई चौड़ाई को काल क्षेत्र कहते हैं। प्रत्येक वस्तु अपने द्रव क्षेत्र का भाव से है और पर का द्रव क्षेत्र का भाव से है, और पर वस्तु अपने द्रव क्षेत्र का भाव से है, अपने से वो नहीं, उससे झूठा बोले उसका नाम व्रत है नहीं, व्रतधारी है नहीं, श्रद्धा भी भ्रष्ट। वो समझ में आया? चार बोल का दूसरा बोल रही है।